नमस्कार, तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल से और एक हरियाणा रोडवेज की बस आप देख सकते हैं कि जलकर खाक हो जाती है। हरियाणा रोडवेज जो है वो हरियाणा का जहाज कहा जाता है और अब आप देख सकते हैं कि ये जहाज पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम डिपो की ये बस है और जो जानकारी लगती है कि जो है नीलोखेड़ी जब ये बस पहुंचती है, क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ ये बस जा रही थी और ब्रेक लगना बंद हो जाती है, जिस कारण नीलोखेड़ी के पास ही जो तमाम सवारियां हैं उन्हें उतार दिया जाता है और वहां से ड्राइवर जो है ड्राइवर और जो कंडक्टर बताए जा रहे हैं वो धीरे धीरे इस बस को लेकर करनाल के बलड़ी बाईपास पर जो है वहाँ पर जो है इसको ठीक करवाने के लिए लेकर आ रहे थे। अंदर सब कुछ जलकर खाक हो चुका और जैसे ही बलड़ी बाईपास के बिल्कुल नज़दीक इसे रोकते हैं, खड़ा करते हैं, टायर के पास एक ज़ोरदार धमाका होता है। शायद पहले टायर फटता है और जैसे ही टायर फटता है आग लगना शुरू हो जाती है और आग लगती है और डीजल टैंक तक जो है आग चली जाती है। और जैसे ही आग डीजल टैंक तक जाती है उसके बाद दो से तीन और धमाके होते हैं, जो लगभग चार धमाके बताए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि पूरी बस आपको जो है जो सारी सीटें हैं वो पूरी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इस तरीके से ये बस जो है आग का गोला बनती है। कहीं से जो है बस नीचे से पूरी तरीके से टूट जाती है तो कहीं से जो सारे शीशे हैं वो किस तरीके से आप समझिए कि उस वक्त टूटे थे, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है नेशनल हाईवे 44 पर। और इस वक्त आपको मैं अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि ये बस जो है किस तरीके से जली है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 10 से 15 इसमें सवारियां थी जिन्हें नीलोखेड़ी उतारा जाता है। हालांकि जो गुरुग्राम डिपो की ये बस है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी और अंदर के हालात इस वक्त ये हैं कि पूरी तरीके से बस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। करनाल की ये तस्वीरें हैं और करनाल में ही इस बस में आग लगती है। बताया जो जानकारी है जो कंडक्टर ड्राइवर से बातचीत के बाद जानकारी सामने आई कि ब्रेक कभी लग रहे थे कभी नहीं लग रहे थे, जिसके बाद ठीक करवाने के लिए वो लेकर आते हैं मैकेनिक के पास और खड़ी इस बस में आग लग जाती है और तभी डीजल के टैंक तक आग पहुँचती है और इतनी भयंकर जो है डीजल का टैंक फटता है, आग लगती है कि छत तक आपको नज़र नहीं आ रही होगी। करनाल की तस्वीरें हैं करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर बलड़ी बाईपास के नज़दीक जो है ये आग जो है बस पकड़ लेती है। हालांकि टायर जो है फटे हैं, उसके बाद जो जानकारी सामने आई कि डीजल का टैंक जो है बुरी तरीके से फटता है और आप समझिए कि फिलहाल पूरी बस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। HR55GV5550 इसका नंबर है। हालांकि गनीमत है कि जो बस और कंडक्टर थे वो बस इस बस को जो है खड़ा कर नीचे उतरे थे और आगे ठीक करवाने के लिए जो वर्कशॉप है उसकी तरफ बड़े ही थे कि पीछे से इस बस में आग लग जाती है। अब आप समझिए कि आग का कारण कुछ भी हो सकता है। हालांकि टायर जो बताया जा रहा है कि वो फटता है, जिसके बाद एक भयानक धमाका होता है। धमाके के बाद ही बताया जा रहा है कि टैंक तक आग चली जाती है और डीजल का टैंक जो है वो पूरी तरीके से जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। हालात हैं बस की ड्राइवर सीट के, कंडक्टर सीट के, आपने देखे कि किस तरीके से जो बस है वो ख़त्म होती है। हालांकि जिन सवारियों को नीलोखेड़ी के पीछे ही बताया जा रहा है कि उतारा गया है, उनकी जान इस हादसे में आप समझिए बाल बाल बची है, क्योंकि जब ब्रेक नहीं लग रहे थे तो भी हादसा हो सकता था और जिसके बाद जब उन्होंने खड़ा किया तो भी आप समझिए ये बस पूरी तरीके से जल जाती है। हालांकि फिलहाल ये बात है कि दोनों ही ड्राइवर कंडक्टर वो भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो इस बस को यहाँ तक चलाकर भी लाए थे। नीलोखेड़ी यहाँ से लगभग 15 से 18 किलोमीटर है जहाँ से वो ये बस को लेकर आते हैं। तस्वीरें हरियाणा करनाल की, करनाल के नेशनल हाईवे 44 बलड़ी बाईपास के नज़दीक जो है ये बड़ा हादसा आज होता है और नेशनल हाईवे के आप समझिए कि पुल के ऊपर तक जो है आग की लपटें देखी गई और एक भयंकर आग जिससे आसपास के तमाम लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, क्योंकि जोरदार तरीके से धमाके होना शुरू हो जाते हैं इस बस में। हालांकि सभी की जान जो है इस बड़े हादसे में सुरक्षित है। मैं आरती राणा से योगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज पर आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।